हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय किचन व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ बेसन के लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बनाने में बहुत आसान है, बस मेरे तरीके को फॉलो करें। और अगर इसके फॉर्मूले के बारे में जानना चाहते हैं तो ये बेसन का लड्डू है, तो बेसन चाहिए, चीनी और घी, बस इसी तीन ज़रूरी इंग्रेडिएंट से ये लड्डू तैयार हो जाएगा। ड्राई फ्रूट्स अपनी मर्जी का है, जितना चाहो और जो पसंद हो वो डाल लो। दूसरा फॉर्मूला ये है कि बेसन जितना हो उसके बराबर की चीनी होनी चाहिए। यहाँ मैंने 250 ग्राम बेसन लिया है, 250 ग्राम के लगभग चीनी है और घी का अंदाज़ा ये है कि वो आधा लगता है, यानी 125 ग्राम के लगभग इसमें घी इस्तेमाल होगा। मैंने यहाँ पर प्योर घी का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो इसे वनस्पति घी में भी बना सकते हैं, लेकिन हेल्थ बेनिफिट के लिए अगर बनाना चाहते हैं तो प्योर घी बेहतर होगा। विंटर का लड्डू है तो ये सारी चीज़ें बॉडी को गर्म रखने के लिए पहले के वक्तों में भी इस्तेमाल की जाती रही हैं और आज भी ट्रेडिशनल घरों में इसका इस्तेमाल होता ही है। तो चलिए बनाते हैं बेसन का लड्डू। इसके लिए हमें चीनी को पाउडर बना लेना होगा, जिसे मैं मिक्सी में पीस कर तैयार कर लूँगी। एक बड़ी कढ़ाई को लो हीट पर गरम कर लें और उसमें ये बेसन डाल दें। अब इसे लो फ्लेम पर ही भूनना है, तब तक भूनना है जब तक इसका कलर चेंज हो जाए और इसमें एक सौंधी सी खुशबू आने लगे। यही इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसमें थोड़ा वक्त लगता है। एक दूसरे पैन पर थोड़ा सा घी डालें और इसमें ड्राई फ्रूट्स को धीमी आंच पर तल लें। अब इसे खरल पर या सिल बट्टे पर मोटा कूट लें। लगभग 25 मिनट में बेसन बिल्कुल भुना जा चुका है और ये देखने से ज़्यादा इसकी खुशबू से पता चलता है, तो खुशबू बिल्कुल सौंधी आ रही है। अगर आपको इसका अंदाज़ा करने में मुश्किल हो तो थोड़ा सा पाउडर निकाल कर आप इसे चेक कर देख लें। तो अब ये रेडी है, तो अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे जिसे हमने खरल में कूट कर रखा हुआ था, और साथ ही इसमें चीनी मिलाना है। इसे थोड़ा सा चला लेना है और उसके बाद इसमें घी डालना है, इतना डालना है कि लड्डू बंधने लगे। बहुत से लोग इसमें तमाम करके भी डालते हैं, लेकिन ये तरीका बहुत ही आसान है और ये बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। तो अब इसमें घी मिलाना है, बिल्कुल धीमे फ्लेम पर इसे रखना है और इसे मैंने बिल्कुल धीमे फ्लेम पर ही भूना है, तो लगभग 20 मिनट में ये बिल्कुल इस कलर का रेडी हुआ है। अब जैसे ही लड्डू बंधने लगे हमें फ्लेम को बंद कर देना है। अब इसमें फ्लेम तेज रखने की ज़रूरत नहीं, आप देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है। इस मेजरिंग कप से हमने 150 ग्राम घी इस्तेमाल किया है। अब लड्डू का पाउडर इकट्ठा हो चुका है तो इसे इत्मीनान से छोड़ दें और इतना ठंडा होने दें कि इसे बांधने में हाथ जले नहीं। अभी हाथ जलेगा क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है। बस यही टेक्निक है लड्डू बनाने की, आप देख सकते हैं। और YouTube पर बड़े नखड़े वाले लड्डू बनाने की तरकीब भी आपको मिलेंगे, जिसमें इसे बहुत ही डिफ़िकल्ट दिखाया जाता है, जबकि ये बड़ी ही आसानी से कोई भी बिगनर्स इसे
बना सकता है। चलिए तो अब इसे हम थोड़ा ठंडा होने देंगे ताकि ये आसानी से बांधा जा सके। अब आप लड्डू के पेस्ट को देख सकते हैं, देखिए इस तरह थपथपाने से इसके ऊपर ये घी आता है जिसकी वजह से ये इकट्ठा है, और यही जब सूखने लगेगा तो लगभग 12 घंटे के बाद ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा। और देखिए मैं आपको दिखाने के लिए इसे गरम गरम ही बांध रही हूँ। इसे बांधना बहुत आसान है, बस इसे हाथों पर टिल्ट करें और ये बस चिकनाई की वजह से ये गोल हो जाएगा। और ये ठंडा होने के बाद बिल्कुल सख्त हो जाएगा, घी जमने के बाद ये बिल्कुल सख्त हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा झटपट बेसन का लड्डू रेडी हो गया है। अभी इस पर घी चमक रहा है, जैसे ही ये ठंडा होगा बिल्कुल टाइट हो जाएगा और काफ़ी खास्ता हो जाएगा। तो देखिए है ना ये कितना आसान। 12 घंटे के बाद आप देख सकते हैं घी के जमने की वजह से लड्डू की चमक ख़त्म हो चुकी है और अब ये बिल्कुल ड्राई और खास्ता हो चुका है। आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं कितना ये क्रिस्प है, और अंदर से देखिए ये बिल्कुल खस्ता है। तो ये बहुत आसानी से बनाए जाने वाला लड्डू है, इसे एक बार आप बनाएं। तो मिलते हैं फिर किसी आसान से रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।